हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने जो जून 2020 का एग्ज़ाम हुआ नवंबर में, उसमें जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में और लाइफ साइंस में जो पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं और मैं आने वाले टाइम में 3 से 4 वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं सभी क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट, यहाँ जो आईटेब है यहाँ पर जाके आप मेरे प्रीवियस जनरल एप्टीट्यूड के जो वीडियोज़ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वो आप जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जो 2020 जो जून में पूछे गए उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, वो मैं आपके सामने वन बाय वन सॉल्व करके समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, गिवन दैट 2, 4, 6, 2n इज द सीरीज, देन द सम ऑफ दिस सीरीज इज डिवाइडेड बाय, आपसे पूछा गया है कि ये सीरीज किससे डिवाइड होगी। तो स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है तो हम जानते हैं कि 2 + 4 + 6 अगर आपको इसका सम निकालना है ना, क्या बोला, सम ऑफ द सीरीज, राइट, प्लस यहाँ पे ऐसे चलता जा रहा है, देन ये 2n है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, राइट। तो इसमें हम जानते हैं ये 1 + 2 + 3 है ना, प्लस n हो जाएगा। और इसमें हम जानते हैं n टर्म का जो सम होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 × n × n + 1/2 के बराबर होता है, 2 से 2 कैंसिल है, तो सुनिए हमारे पास n × n + 1 आएगा। तो ये जो सीरीज है या तो ये n से डिवाइड होगी या फिर n + 1 से डिवाइड होगी, मतलब n दोनों से डिवाइड होगी, सॉरी n और n + 1 दोनों ही सही डिवाइड होगी, तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सुनिए, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे ये पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास fx + 2 = this, this and this गिवन है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ f0। तो सुनिए, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 0 हो जाए, तो इसमें x की जगह हम क्या करेंगे, पुट x = -2, इसमें x की जगह हम -2 रख देंगे, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, -2 + 2 हो जाएगा ये f में, इसमें यहाँ पे ये f है ना, तो ये अब क्या करेंगे, हम जहाँ पर भी x है वहाँ -2 रख देंगे, तो जैसे -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 + 1, तो इसमें आएगा -1/34 और सुनिए आएगा हमारे पास -2 + 1, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा, एक्चुअली माइनस ही है बीच में, तो इसको तो माइनस ही रहने दीजिए, है ना। तो सुन, ये आएगा हमारे पास माइनस, ये आएगा -1/33 + 5 हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं -1/34 तो ये +1 आएगा, और सुन -1/33 तो ये माइनस आ जाएगा बिकॉज ऑड है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो सुन, यहाँ पे क्या आएगा, -−+ तो ये आएगा 1+1+5, तो सुन यहाँ पे 7 आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ स्टूडेंट शेयर पेंसिल, 2 students share pencil, 3 students share eraser एंड 4 students share ruler, देन द कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इफ द टोटल सम ऑफ पेंसिल एंड इरेजर एंड रूलर्स आर। तो आपको यहाँ पे आर 65, इसमें यहाँ पे 65 दे रखा है ना, अगर टोटल हमारे पास 65 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है एंड फिर 4 दे रखा है, और ये इतने शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, मतलब 2 students पेंसिल को शेयर कर रहे हैं, 3 students इरेजर को शेयर कर रहे हैं और 4 students रूलर को शेयर कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एलसीएम का कंसेप्ट लगने वाला, राइट, और हम जानते हैं कि इसका जो एलसीएम आता है वो 12 आता है, तो जो भी आंसर आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली 60 यहाँ पे आंसर है, पर आप चेक करना चाहो कि 60 से हमारा पास 65 टोटल इरेजर सब मिला के आना चाहिए, तो कर सकते हैं आप, है ना। स्टूडेंट कैसे करेंगे, जैसे 2 students यहाँ पे हमारे पास पेंसिल को शेयर कर रहे हैं, राइट, है ना, तो अगर 2 students एक पेंसिल ले रहे हैं तो 60 students कितने लेंगे, अगर मैं 60 को ऑप्शन लेके चलूँ, है ना, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60, राइट, है ना, क्योंकि एलसीएम इसका 12 आ रहा है, तो 12 का मल्टीपल 60 है, तो 60 राइट आंसर होगा, पर क्यों होगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। तो नंबर ऑफ पेंसिल कितनी होगी, देखिए यहाँ पे पेंसिल हो जाएगी हमारे पास 30, क्योंकि 2 students एक पेंसिल को शेयर कर रहा है, तो 60 कितने होंगे, 30, राइट। अब 3 students शेयर कर रहा है इरेजर, तो इसमें 3 students एक इरेजर यूज कर रहे हैं, तो 60 students कितने करेंगे हमारे पास, 20 इरेजर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इरेजर आ जाएगा हमारे पास 20, राइट। आगे बोला जा रहा है कि 4 students शेयर रूलर, है ना, 4 students अगर रूलर को शेयर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट 4 अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक 4 students की एक रूलर है, तो 60 students के हमारे पास कितने रूलर होंगे, 15, राइट। तो रूलर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब देखो, दूसरा ऑप्शन लेने में नुकसान ये है कि जैसे 61 लिया तो ना तो 2 divide करा, ना 3 divide करा, ना 4 divide करा, 62 लेंगे, तो वैसे भी हम सीधा कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, स्टूडेंट 65 आ जाएगा, मतलब हमारे पास टोटल हमारे पास इरेजर रूलर एंड या पेंसिल 65 हो रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 60 होंगे, राइट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ठीक है, इसको इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट यहाँ पे
बहुत सा क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ लार्जर स्फेयर इज 20 सेंटीमीटर। इसमें एक बड़ा स्फेयर है जिसका डायमीटर दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, राइट। एंड द स्मॉलर स्फेयर, ये स्मॉलर स्फेयर है, इसकी रेडियस हमें दे रखी 1 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर दैट कैन बी कंप्लीटली फिल द लार्जर स्फेयर, मतलब इस स्फेयर से ये पूरा ये फिल हो जाए, इतने के कितने होंगे। तो इसमें हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर हमारे पास कितना होगा 10 क्यूब होगा, और इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे दिया आएगा 4/3 पाई 1 क्यूब, और चूंकि हमें नंबर ऑफ निकालना है कितने इसको फिल करेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, राइट। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये पता पड़ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने होंगे। मान लीजिए इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बराबर एन कर दो यहाँ पे, है ना, ऐसा भी कभी कभी इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी करते हुए देखा पाया जाएगा, है ना, कि कैसा है कि मान लीजिए हमारे पास छोटे जो एन स्क्वायर हो जो इसके बराबर हो रहे हैं ना 4/3 पाई 1 क्यूब, राइट, है ना, तो n की वैल्यू आ जाएगी, तो 4/3 पाई r क्यूब से पाई r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 क्यूब 1 ही होता है, तो कैपिटल n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 10 क्यूब, दैट इज 1000, सो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, राइट। ये केमिस्ट्री में पूछा गया था। स्टूडेंट फिजिक्स में जो पूछा गया वो क्वेश्चन है, अ कपल लिव्स इन हाउस विद देयर सन्स डॉटर, इफ द कपल हैज 4 सन्स, मतलब दो हस्बैंड वाइफ है ना, ये हस्बैंड और वाइफ है, इनके 4 बच्चे हैं, कितने 4 सन है ना, और हर सन के यहाँ पे 2 सिस्टर है ना, तो 2 सिस्टर है, तो एक सिस्टर ये है और दूसरी सिस्टर ये रहेगी यहाँ पे, है ना, 2 सिस्टर है, तो हर एक की 2 सिस्टर ही होगी, है ना, ऐसा तो नहीं कि हर एक एक सिस्टर होगी, तो मतलब कहने का मतलब ये हो कि 2 तो ये हो गए, है ना, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल हमारे पास ये बोल रहे हैं कि देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द हाउस आर, तो ये 2 है, ये 4 है और ये है, तो हमारे पास टोटल कितने होंगे 8 हो जाएंगे, राइट, क्योंकि हर एक सन के 2 सिस्टर है ना, तो अल्टीमेटली सिस्टर तो 2 ही हुई ना, क्योंकि हर एक की 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टर 2 ही होगी, राइट, तो 2 तो कपल हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 8 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का पे हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी फिजिक्स में पूछा गया, क्या बोला जा रहा, बैंक पेस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इफ द डिपॉजिट बिकम 54,000 आफ्टर 3 ईयर, है ना, 54,000 हो रहा है 3 साल के बाद। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो फार्मूला होता है, मतलब हमारे पास इंटरेस्ट जो हो रहा है वो 54,000 हो रहा है आफ्टर 3 ईयर, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास लेट द अमाउंट इज एक्स, मान लीजिए आप इसको यहाँ पे, है ना, तो हम जानते हैं 1+ ये कितना होता है r/100, है ना, power 3, क्योंकि 3 साल बाद हो रहा है ना, इसमें हमारे पास फार्मूला होता है इंटरेस्ट का, राइट। एंड ये बोला 64,000 हो रहा है, 64,800 हो रहा है कितने साल में, ये हो रहा है हमारे पास 1+r/100/6 ईयर, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे एक्स पूछा जा रहा है, भाई टोटल हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है और ये टाइम दे रखा है और ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, राइट, जो मतलब आफ्टर लाइक मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, राइट। तो सुनिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे, है ना, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं एक्चुअली यहाँ पे चलो डिवाइड ही कर अलग कर देते हैं ना, इसको अलग डिवाइड कर देते हैं ना, तो 54,000 है ना एंड डिवाइडेड बाय 64,800 इज इट, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1+r/100 का यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। पर स्टूडेंट r/100 का जो क्यूब है इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ दे रखी है ना, तो चलो एक काम करो इसको अपन निपटा देते हैं, फिर बाद में करते हैं इसको, ये से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा 1+ ये आएगा हमारे पास r/100 का क्यूब इज इक्वल टू ये आएगा 648/540 आ जाएगा हमारे पास, राइट। पर स्टूडेंट r/1+r/100 क्यूब की वैल्यू ये रहेगी हमारे पास, देखो ये वैल्यू, तो स्टूडेंट इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये जैसे इसको डिवाइड करेंगे आप, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 54,000 है ना डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू ये आएगा 648 इसमें आएगा हमारे पास 648/540 आ जाएगा, क्लियर है। देखो मैंने इसकी क्यूब की वैल्यू निकाली तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी ध्यान दीजिए, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 54,000 इंटू 540 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 648 आ जाएगा, क्लियर है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 55,000 आएगा, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, अ वायर इज बेंड इनटू द स्क्वायर शेप इनक्लोजिंग एरिया एम। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक वायर है जिसको हमने स्क्वायर शेप में बेंड कर रखा है, मान लीजिए इसकी साइड ए ए ए है
और इसका जो एरिया है वो एम दे रखा है। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानते हैं इसका जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, राइट, है ना, स्क्वायर है तो एरिया स्क्वायर, एरिया क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास रूट एम हो जाएगी। अब हमें इस वायर की लेंथ निकालनी है ना, लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट इसकी जो पेरीमीटर आएगी वो कितनी आएगी, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ वायर, है ना, तो पेरीमीटर कितनी आएगी स्टूडेंट, फोर आएगी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये फोर रूट एम आ जाएगा, क्लियर है, ये इस वायर की लेंथ आ जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट। अब इस वायर की लेंथ से जो भी ये वायर था इससे हम क्या बना रहे, सर्कल बना रहे, देखो द वायर इज बेंट इनटू द स्क्वायर शेप इनक्लोजिंग एरिया एम। नाउ इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द सर्कल, अब ये इस लेंथ का वायर को हमने सर्कल में बनाया, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो सर्कल बनेगा ये सर्कल है, तो इसकी जो पेरीमीटर होगी स्टूडेंट वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, है ना, क्योंकि 2πr के बराबर होगी, गेटिंग माई पॉइंट। अरे भैया इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी पेरीमीटर के बराबर, क्योंकि इसी वायर को तो खींच के बनाया है ना। तो स्टूडेंट 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2√m/π हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आर आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, राइट, तो स्टूडेंट हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और पाई और आर स्क्वायर स्टूडेंट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4m/π स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 4m/π, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम आगे, तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए आपको, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर हूँ फॉर CSIR नेट मैथमेटिक्स, और अगर आप जून जो 2021 है उसके लिए अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। स्टूडेंट मेरा जो अनअकैडमी पे भी फरवरी में जो गेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, और मैं ये कोर्स 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 दिसंबर से मेरा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है। और फाउंडेशन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके बेसिक्स कमजोर है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कोर्स 7 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला फॉर CSIR नेट मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट मेरा जो कंप्लीट कोर्स है वो जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर मैं कॉम्प्लेक्स आंसर्स इंटीग्रल इक्वेशन जनवरी में कराऊंगा, फरवरी में रियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मार्च में लीनियर अल्जेब्रा पार्शियल कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, और अप्रैल में मैं अल्जेब्रा और न्यूमेरिकल क्लासेस एंड मार्को LPP टोपोलॉजी एंड नंबर थ्योरी इन मैट्रिक स्पेस, ये सब टॉपिक्स मैं कराने वाला हूँ कंप्लीट कोर्स में। उसके बाद मेरा क्रेश कोर्स अप्रैल और जून से जून में चलेगा, और स्टूडेंट यहाँ पे अनअकैडमी पे मैं पूरा कोर्स कराता हूँ, कंप्लीट कोर्स कराता हूँ CSIR नेट मैथ्स के लिए। और स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अगर आप पहली बार CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो 24 मंथ या 12 मंथ का लीजिए। स्टूडेंट अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 11,550 यहाँ पे कॉस्ट होता है, पर अगर मेरा रेफरल कोड GP सर आप यूज़ करते हैं, सुन माई रेफरल कोड इज GP सर, जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 10,395 आएगी, और 10,395 में आपको क्या क्या मिलता है, मेरी लाइव क्लास होती है रात को 9:30 से 11, वो आप देख सकते हैं, अगर लाइव नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे PDF नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस भी आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है, राइट। और आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, स्टूडेंट अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो लास्ट मेरे जो वीडियो है ये देख सकते हैं कि आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। और स्टूडेंट ये मेरी एप्टीट्यूड की सीरीज है जहाँ पर मैं CSIR नेट का टोटल एप्टीट्यूड यहाँ पे बता रखा हूँ, और भी अभी एप्टीट्यूड पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जो गेट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। सो ये दोनों मेरे चैनल है, स्वीन नया चैनल जिस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, और स्वीन मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं हायर मैथ्स के वीडियोज अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।